सर, बड़े ख्वाब कैसे देखें और उनको कैसे पूरा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ख्वाब देखना दरअसल ये जो आपके ज़िंदगी में गोल्स होते हैं ना, ये ख्वाब में कन्वर्ट, या ख्वाब होते हैं वो गोल्स में कन्वर्ट होने चाहिए। दरअसल जब बंदा अपने आप को किसी भी लिमिट से ऊपर देखता है, ऊपर सोचता है, मतलब लिमिटेड इंसान नहीं रहता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसके बड़े बड़े ख्वाब बन जाते हैं। अब जब वो ख्वाब बन जाते हैं तो असल में जो अहल लोग हैं उन ख्वाबों को, उन ड्रीम्स को एक्शन स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए गोल्स बना लेते हैं। और वो गोल्स ये नहीं कि उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने गोल्स मुकर्रर किया और उन्होंने अचीव कर लिया, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर जब आप ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े, तो फिर आप उसको परसू करते हैं, उसकी तरफ उसको अचीव करने के लिए अपना एक्शन प्लान बनाते हैं। उन तो एक्शन प्लान बना के जब वो गोल अचीव करना जाते हैं तो समटाइम आपको वो, आपने 100% गोल रखा था तो वो पता लगा जी वो तो 20% हुआ है, वो तो 15% हुआ है। अब इसमें कुछ लोग तो बड़ी हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो अचीव करना चाहता था और मैं तो कर सकता था, फिर भी मैं 15% अचीव किया, 20%, 25%, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो अचीव करते हैं ना उसको सेलिब्रेट नहीं करते। जिंदगी में देखें, अगर आप 100 मीटर अगर आप 100 मीटर की रेस में भागे हैं और आप नहीं कामयाब हुए, ठीक है ना, लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो अपने आप को ये कह के अप्रिशिएट कर लेते हैं कि यार मैं कम से कम भागा तो सही, मैं 5वें नंबर पे आ गया, पहले पे नहीं आया या 8वें पे आ गया, लेकिन मैंने एक कंपटीशन में कंपीट किया, इट्स एन अचीवमेंट। यानी आप बहुत बड़ा गोल या हदफ या ड्रीम बनाए, लेकिन जो अचीव करें उससे उस पर अपने आप को अप्रिशिएट करें। जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना तो फिर आप उससे ओवर अचीव करेंगे, जो पहले अचीव किया उससे ओवर अचीव करेंगे, तो इससे आप अपने उस गोल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो जो ख्वाब देखने की जुरत है, सबसे पहले तो ये पैदा करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ख्वाब देखने के लिए बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो बड़े बड़े ख्वाब देखें। वो क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या हासिल करना चाहते हैं, किस मुल्क की सैर करना चाहते हैं, यानी दुनिया, ये जो दुनिया है इसमें जो कुछ है वो इंसानों के लिए है, और इंसान आपने देखा इंसान ऑन करते हैं उसको। आप फर्ज करें कोई बहुत बड़ा 4 किनाल का बंगला चाहते हैं, तो लोग ऑलरेडी इसी शहर में 4 किनाल के बंगले में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अगर वो अचीव कर गए हैं तो हम भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा 100 करोड़ का बिजनेस चाहते हैं तो इसी शहर में 100 करोड़ का बिजनेस लोग हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो तो वही 1000 करोड़ और 1 लाख करोड़ का बिजनेस की सोच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो अचीव कर सकते हैं तो हम, इसका मतलब ये, इन सारी बातों का मतलब ये हुआ कि उन्होंने या उनके बड़ों ने कोई उस वक्त ख्वाब देखे थे और उन्होंने कोशिश की, हो सकता है पिछली नस्ल से कोशिश की, अगली नस्ल जाके वो चीज़ अचीव कर ली। तो लिहाजा ड्रीम्स जो है वो बिग ड्रीम्स जो है वो बनाए, वो बिग ड्रीम्स देखें, बड़े ख्वाब बनाएं, बड़े ख्वाब देखें, और जीती जागती दिन में देखें ख्वाब। रात के ख्वाब जो है वो कुछ और हैं, लेकिन दिन के जो ख्वाब आपने देखे हैं और उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करें कि इसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इसको मैं कैसे अचीव करूंगा, यकीन कीजिए आपके सवालों के जवाब आएंगे। आज के दौर के, आज जो एज है ना, ये एज, इस एज में बहुत आंसर है, वो आपको जवाब आएंगे। उन जवाबों को आप अपने एक्शन स्टेप में कन्वर्ट कीजिए और उन एक्शन स्टेप्स को आप लेते जाइए और उन चीज़ों को अचीव करते जाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। जो जो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाए, देखिए एक वक्त होता है बंदा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जब आप कोशिश करके मेहनत से लगे रहेंगे और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, बस ये बहुत दिलचस्प सफर है जिसपे आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो आगे से आगे और आगे से आगे और आगे से आगे, आप कहाँ आगे पहुँच जाएंगे, दुनिया कहाँ पीछे रह जाएगी। कहते हैं कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सर फेंक के काम करें, सर फेंक के इतनी एफर्ट करें कि आपकी खामोशी जो है वो शोर बन जाए, और जब आप सर उठा के देखेंगे तो आप लोगों से कहीं आगे होंगे। लेकिन बेशुमार लोग, 99% लोग जो हैं वो शायद ये सारा जो तरद्दुद है वो कर नहीं पाते। उनके दाएं बाएं उनको खींचने वाले लोग बहुत हैं, उनको मशवरे देने वाले, बातें सुनाने वाले, चिल करने वाले, पार्टी करने वाले, उल्टी सीधी मसरूफियत वाले लोग ही इतने ज़्यादा है कि वो ना ही अपने आप से बात कर सकते हैं, ना ही वो ख्वाब देख सकते हैं, ना ही वो एक्शन स्टेप्स में ख्वाब को कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही वो सर फेंक के काम कर सकते हैं, तो वो अचीव कैसे करेंगे। तो ये दिलचस्प चीज़ है,
ये उन लोगों के लिए है कि जो जिंदगी में वाकई ख्वाब देखते हैं और उनको अचीव करना चाहते हैं और वो ख्वाबों को विजुलाइज करना चाहते हैं। ये मैंने बात रह गई, ख्वाबों को विजुलाइज कीजिए कि मैं जब उस लेवल पे पहुंचूंगा, ये अचीव कर लूंगा, तो मैं किस तरह से दिखूंगा, किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह से मेरा जो है ना बॉडी लैंग्वेज होगी, कहाँ मैं बैठा होगा, कहाँ मेरा ऑफिस होगा, कहाँ बिजनेस होगा, कहाँ कौन कैसे कैसे लोग मेरे पास काम कर रहे होंगे, मेरी कंपनी का हिस्सा होंगे, है जी, कैसे कैसे लोगों के साथ मैं बिजनेस के जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लोगों से डील कर रहा हूँ, लोगों से मामला कर रहा हूँ, और क्या क्या जो है ना वो उस जितना ज़्यादा विजुलाइज करेंगे और उनमें रंग भरेंगे, वहाँ ही आप पहुँचते जाएंगे और आप हैरान होंगे कि ये मैंने पहले सोच लिया था, ये मनोअन वैसा ही हुआ है। तो ये अल्लाह ने इंसान को सलाहियतें दी हैं, उसको अगर इजहार करे तो ये कर सकता है। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल प्रॉपर्टी वीन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके ख्वाबों को अचीव करने की तरफ आगे लेके जाएंगे। प्रॉपर्टी वीन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।